तो भाई आज अपडेट निकल कर आई है एक ऐसी मूवी की जो कि हिस्टोरिकल मूवी है, 2001 में आई थी, जिसका नाम था गदर। तो भाई उसी मूवी का सीक्वल आ रहा है। तो भाई कौन कौन स्टार कास्ट और क्या स्टोरी होने वाली है सब बताने वाला हूँ। वीडियो पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, जैसे कोई नई मूवी की अपडेट आती है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो बात करते हैं भाई तारा की स्टोरी से। भाई जो तारा पाकिस्तान जाता है और भाई जो अपनी हीरोइन होती है उसको वापस लेके आ जाता है। तो भाई गदर मूवी का सीक्वल बन रहा है, जिसमें भाई उत्तक शर्मा, अमीषा पटेल और भाई आपको संदेवल देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं यार मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है। जो कि पहली मूवी आई थी भाई उसने बहुत अच्छे झंडे गाड़े थे, जो कि भाई पाकिस्तान वालों को इतना बुरा भला रुला के डाल देता है कि पाकिस्तान वाले उस मूवी से नफरत करने लगे, यहाँ तक कि सनी देओल का भी पाकिस्तान में जाना बैन कर दिया है। तो भाई इसका सीक्वल जो आ रहा है, तो ऐसी मूवी का सीक्वल कितना अच्छा आने वाला है, तो भाई हम बस वेट ही कर रहे हैं कब इसका टीजर ट्रेलर आता है। तो बात करते भाई मूवी में क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी की बात करते भाई इसमें जो उत्तक शर्मा है उनके ऊपर जो मूवी इस बार बेस्ड होने वाली है या फिर उनका कोई जो लव स्टोरी होने वाली है, जो कि पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से कनेक्शन ही होने वाला है, तभी मूवी में जो संदेवल अपनी एंट्री करते हैं और अपना जो घायल रूप यानी कि खतरनाक रूप दिखाते हैं और डायलॉग बाजी चलती है। तो मूवी की बात करते हैं, मूवी यार काफ़ी अच्छी होने वाली है। मूवी रिलीज हो जाती है भाई जो कि 2022 में इसी साल, लेकिन कोरोना की वजह से शूटिंग थोड़ी टाल दी गई थी। संदेवल ने बताया कि शूटिंग हमारी को थोड़ी रह गई थी, 20% शूटिंग रह गई थी, इस वजह से भाई इस साल मूवी रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन भाई अगले साल यानी 2023 में जो 26 जनवरी या 15 अगस्त के जो मूवी रिलीज कर दी जाएगी या फिर 14 अप्रैल, इन तीन डेट को मूवी जो रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि यार मूवी काफ़ी अच्छी है और भाई जो मूवी को ऐसे डेट पर रिलीज करा जाएगा जितनी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस हो, तभी यार मूवी का फील आता है। तो मूवी यार काफ़ी अच्छी होने वाली है। उत्तक शर्मा दिखाई देने वाले हैं, उनकी लव स्टोरी होने वाली है। मूवी के कुछ सीन जो आए हैं बॉर्डर पर से, जहाँ पर हमारे फौजी भाई भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि मूवी में काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट है, जो कि फौज में जहाँ पर जो मूवी की शूटिंग हो रही है भाई, तो वो बॉर्डर पर हो रही है, तो बॉर्डर और पाकिस्तान के बीच में कनेक्शन दिखाया जा रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो मूवी को बॉर्डर पर शूट करा जा रहा है। और भाई जो बॉर्डर के कुछ सीन भी लिए जाएंगे इस मूवी में, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला मूवी से, बहुत अच्छी जो मूवी होने वाली है।